देखिए, ने अच्छा बात कह दी आपको। मकसद दाबी की मीटिंग यही था कि महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी जिस प्रकार से लगाई गई है आटे पे, दाल पे, दही पे, बड़ा रिएक्शन है पूरे देश के अंदर। ऊपर से झूठ बोल रहे हैं केंद्र सरकार और वित्त मंत्री की जीएसटी काउंसिल के अंदर ये तय होगा, उसमें विपक्षी पार्टियों के सदस्य भी थे। मैंने दो पत्र लिखे हैं, हमने विरोध किया था वहाँ पे भी, आज भी विरोध करते हैं। आप इनको वापस विथड्रॉ करो जीएसटी को, जिससे कि महंगाई कुछ कम हो, ये मुद्दा बन चुका है। और 5 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब ने अरेस्ट दी, मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम लोग भी वहीं पे थे। उसके बाद में ये गवर्नमेंट डिफेंस में आ गई है, डिफेंस ही हो गई है, और समझ गई कि जनता के जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी का है और रोजगार का है, और फिर जीएसटी के ऊपर ये और लग गया तड़का उनका, उससे लोग ये घबरा गए हैं। और घबरा करके फिर अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं काला जादू हो रहा, मैजिक, ब्लैक मैजिक हो रहा है। काले कपड़े पहन के जो आंदोलन किया मोदी जी, बौखला गए पहली बार मैं देखा, और कह रहे तो ब्लैक मैजिक है, जादू टोने होते रहते गांवों के अंदर, ये है वो है, वो डिफेंस में आ गए उस दिन। तो ये हालात है देश के अंदर, बहुत गंभीर हालात है। महंगाई सीमाएं पार कर चुकी है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा देश के अंदर, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। आर्थिक नीति इनकी ऐसी है जिसे पूरा जो माहौल है देश का वो सिमट गया है। कुछ लोगों तक पूरी पूंजी इकट्ठी हो रही है, आम लोग महंगाई से त्रस्त है, और तो और 80 रुपये क्रॉस कर गए डॉलर, रुपए बताइए आप, 80 रुपये डॉलर रुपए हो गया। तो आप सोच सकते हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उसी चिंता नहीं हो उनको, कांग्रेस मुक्त भारत का नहीं चिंता है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, खाली इवेंट कर रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा, बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोई अमृत महोत्सव कामयाब नहीं हो सकता देश के अंदर। जो 10-12 साल से जेलों में बंद रहे हों आज़ादी के जमाने के अंदर, प्रथम प्रधानमंत्री हों, इनके राज में ना इंदिरा गांधी का त्याग बलिदान दिया देश के लिए, खालिस्तान ने बनने दिया, कोई जिक्र नहीं उसका। इनके राज में किस प्रकार हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, राजस्थान से भी कम नहीं थे फ्रीडम फाइटर, पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने, ज्ञात अज्ञात लोगों ने किस प्रकार से कुर्बानी दी, त्याग किए, बलिदान किए, जेलों बंद रहे। भगत सिंह तो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कई लोग, उनका कोई इनको मायने नहीं है। कभी कभी फॉर्मेलिटी में कह देते हैं सरदार पटेल थे या मौलाना अबू कलाम आजाद थे, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले थे या लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, किन किन के नाम गिनाए। ये खाली अपने आरएसएस बीजेपी इन लोगों ने इवेंट बना दी, इसको इवेंट बना दी खाली। 75 साल हुए उसको, किसी किसी मनाना पड़ता ही, सरकार इनकी है तो ये मना के खाना पूर्ति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं नई पीढ़ी को नहीं बल्कि वर्तमान पीढ़ी को भी, जो नए आज़ादी के बाद पैदा हुए, उनको मालूम पड़े कि हमारे त्याग बलिदान क्या थे। आज़ादी के बाद में हम 75 साल में कितनी उन्नति प्रगति की हर क्षेत्र के अंदर, इसका गर्व महसूस नहीं करवाएंगे हम अगर नौजवान पीढ़ी को। यही नौजवान पीढ़ी कल देश का भार संभालेगी आने वाले वक्त के अंदर, ये क्या बताएगी अगली पीढ़ी को। तो मोदी जी जो इतिहास की सच्चाई नहीं बता रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं एनडीए गवर्नमेंट वाले, उसका नुकसान आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को होगा। इतने में चिंता लगी हुई है, इनकी आर्थिक नीति बर्बाद कर रही है देश को, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्थिति जब विस्फोटक होती है तो उसी में से फिर ये क्राइम बढ़ते हैं, घटनाएँ बढ़ती है, दुर्घटनाएँ बढ़ती है। अगर नई पीढ़ी को आप रोजगार नहीं देंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो आप जानते हैं कि सब जानते हैं कि इनका फॉलोआउट क्या हो सकता है, जो फॉलोआउट हो रहा है देश के अंदर।
आज धर्म के नाम पे राजनीति लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गई है धर्म और जाति के बीच में। आप देखिए कितना जगह पर घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, किस प्रकार कानून लोग तोड़ रहे, हाथ में ले रहे हैं देश के अंदर। तो ये हमें चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो रैली हो रही है उसमें हम लोग आह्वान करें प्रदेशवासियों को भी, तमाम कार्यकर्ता जाएंगे, प्रदेशवासी जाना चाहे वो भी जाएं, और जो प्रोग्राम देती है कांग्रेस ब्लॉक में, जिले में, प्रदेश के अंदर, उसको कामयाब करने के लिए आम जनता साथ आए, तब जाके मैं समझता हूँ जन सरकार पर दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो फिर महंगाई कम होने की संभावना बढ़ जाएगी, ये मेरा कहना है। बना हुआ है माहौल, बना हुआ है। अभी जो रैली हुई है ब्लॉक की और डिस्ट्रिक्ट की, राजस्थान के अंदर भी, जयपुर के अंदर भी आपने देखा होगा, अच्छी संख्या में लोग आए थे, तो मुद्दा बन रहा है, तभी तो डिफेंस में आए हैं। आपको लगता है कि मीडिया अभी गोदी मीडिया हो गया है, मीडिया अभी पूरी तरह मोदी जी एनडीए गवर्नमेंट डरा हुआ है, वो इशू हमेशा मीडिया बनाता आया आज तक। मुल्क में जब कभी इशू बना है, ये चौथा स्तंभ ऐसे ही निकल आता है, ये वास्तव में चौथा स्तंभ है, डेमोक्रेसी को बचाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, संविधान की रक्षा करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। पर मीडिया खुद दबाव में डाल दिया गया है, ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से, सीबीआई के डर से, तो अब क्या करो बताओ आप। इश्यूज आप लोग बनाते हो, आप लोग जब बताते नहीं हो कि महंगाई की मार कितनी बड़ी है, वरना कांग्रेस शासन में क्योंकि खुलापन था, मीडिया को पूरा फ्रीडम था, तो जम के वो आलोचना करते थे सरकार की, इशू बनता था। हमने तो कई हमारे मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, कानून मंत्री को इस्तीफे ले लिया भाई, 2G स्पेक्ट्रम में जेल चले गए केंद्रीय मंत्री, कोलगेट के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। और वो कोलगेट कहाँ गया आपका, वो कहाँ गया आपका, अब 2G स्पेक्ट्रम कहाँ गया, लोकपाल कहाँ गया, सरकार हिल गई, सरकार चली गई हमारी, अब लोकपाल को याद करते हैं क्या, ना लोकपाल को याद करते हो आप लोग, ना आपको 2G स्पेक्ट्रम को याद करते हो, ना आप कोलगेट को याद करते हो, ना ब्लैक मनी लेके आऊँगा मैं 14 में मोदी जी कहते थे उसको याद करते हो, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे उसको याद करते हो, कुछ नहीं करते हैं। मीडिया बहुत दबाव दबाव के अंदर है, चुनाव मुद्दा बनेगा, आप देखेंगे अभी चुनाव जीतेंगे, अगला चुनाव 2023 के अंदर जीतेंगे राजस्थान के अंदर, फिर आप 24 के चुनाव में, इस बार मोदी जी को आसान खेल नहीं उनके लिए लगता अभी उनको है, पर मेरा मानना जिस प्रकार से घेराबंदी हो रही उनकी खुद की, और जिस प्रकार झटका हुआ है बिहार के अंदर उनको नीतीश कुमार ने दिया है, उसके बाद में और महंगाई और ये जो बेरोजगारी है, कांग्रेस ने जो आंदोलन किया राहुल गांधी के नेतृत्व में, उससे मोदी सरकार हिल चुकी है, और कुछ भी परिणाम हो सकते हैं चॉइस के अंदर। ये घमंड अगर उनको है तो ये घमंड तो वाजपेयी के वक्त में फील गुड भी हुआ था, इंडिया साइनिंग हुआ था, वो चला नहीं था, तो सरकार बन गई थी, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, मनमोहन सिंह जी बनाए जिन्होंने बहुत शानदार काम किया। पर मीडिया ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, सरकार चली गई हमारी, लोकपाल, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट क्या क्या लेके आए, वो कहाँ चला गया, 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, CNAG ने बोला था, वो कहाँ चला गया घोटाला, अब मीडिया नाम लेता ही नहीं है, मीडिया खुद ही जेल में जा रहा है, साहित्यकार, पत्रकार, मीडिया वाले तो जेल में बैठे हैं आपके साथ ही, तनख्वाह आपकी कम हो रही है, नौकरी से निकाले जा रहे हो आप लोग, बोल नहीं रहे हो आप लोग भी, क्योंकि आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है आपकी भी। आपसे सुन रहा हूँ,
आप जो सुन रहा हूँ मैं तो मुझे नहीं मालूम। पता कर लेंगे मध्यम वर्ग ने हमारी सरकार बदल दी भैया। मध्यम वर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के अंदर। कांग्रेस उसका सम्मान करती है। राहुल गांधी जी के हर कैंपेन के अंदर, गुजरात के अंदर भी, देश के अंदर भी, हमेशा वो मध्यम वर्ग की बात ही करते हैं। हम जानते हैं मध्यम वर्ग की स्थिति क्या है देश के अंदर। सबसे अधिक दुखी कोई है अभी? गरीब तबका तो ही है, पर मध्यम वर्ग भी कम दुखी नहीं है। ज्ञानदेव आहूजा जी का बयान बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जिसकी जी मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में कंडेम करूँ उसको। और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो क्राइम किया है, जिस रूप में जो बात खुद ने बोली है, उसमें तो उनके खिलाफ में पुलिस ने मुकदमा दर्ज हो गया है। कार्रवाई, निष्पक्ष जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। वो क्या बोले उनके मालूम पड़ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। और तो जो उन्होंने बयान दिया है, मुझे लगता है कि उनको जवाब देना पड़ेगा हाईकोर्ट के अंदर भी, क्योंकि जब केस से कोई चालान पेश हो चुका है, लोअर कोर्ट हाईकोर्ट में केस चलता है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति तो खुद भड़काने वाला था या इसके कहने से ये मर्डर हुए हैं, तो वो तो को एक्यूज बन सकता है। ये तो लीगली बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। पर ये बीजेपी का, आप सोच सकते हो कि बीजेपी की सोच जो है वो ज्ञानदेव आहूजा के माध्यम से बाहर आती है। आप इसको इस रूप में मानिएगा, ज्ञानदेव आहूजा जैसे लोग जो हैं वही बीजेपी आरएसएस की सोच को कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता है। सोच उनकी वही है, इसीलिए हम कहते हैं हिंसा का विरोध करते हैं। भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रहे आपस के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग कई बार अपील करिए कि आप अपील करो देश के अंदर कि आज माहौल बहुत सरचार्ज है, धर्म के नाम पर बहुत अलगाव हो गया है, उसको समाप्त करवाओ। प्रधानमंत्री की एक बोलने के कहने से फर्क पड़ता है, ये मानते हैं। उन्होंने पहले ताली बजवा दी, अब क्यों नहीं वो शांति की अपील करते हैं? तो ये मेरी बार बार अपील है। पर मोदी जी पता नहीं, अभी उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर है मिस्टर डोवाल, वो बोले थे अभी इन बातों को लेके। तो डोवाल बोल सकता है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये मेरा कहना है। कल भी जा रहे हैं, देखिए वो तो कैंपेन अभी तो शुरू हो रहा है, अभी चुनाव टाइम है, देखते हैं क्या होता है। हमारे रघु हमारी बहुत वरिष्ठ नेता लगे हुए वहाँ, प्रभारी हैं, रात दिन एक कर रहे हैं वहाँ पे। पहले बहुत ही शानदार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रैली की है महंगाई विरोधी जयपुर के अंदर, अब दिल्ली में हो रही है, और लगातार इसको इश्यू बनाए हुए हैं कांग्रेस बनाए हुए हैं। और मैं समझता हूँ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अब तो हद पार हो गई है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कोई आपको सलाह देने दे दीजिए, कोई है क्या? राहुल गांधी को पार्टी बनाने में हाँ, लेकिन राहुल गांधी मना कर चुके हैं सर, तो ऐसे में क्या? देखो राहुल गांधी नहीं बनते अगर मान लीजिए, तो इसमें देश में कांग्रेस जन निराशा आएगी, कई लोग घर बैठ जाएंगे और तकलीफ होगी हम लोगों को। उनको चाहिए कि वो आम कांग्रेस जन की भावनाओं को समझते हुए पूरे देश के अंदर उनको खुद को ये पद स्वीकार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा एक बार एक इंटरव्यू के अंदर, 250 लोग बैठे थे AICC के अंदर, 6 ग्रुप बने थे, 1x1 सबसे बातचीत हुई, जो हमारे तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे उसके अंदर, CLP लीडर्स थे देश के, केंद्रीय मंत्री रहे हुए थे वो थे, प्रदेश AICC के महामंत्री रहे हुए थे वो थे, उन सबसे 1x1 बातचीत हुई। सबने कहा
कि राहुल गांधी को वापस बनना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। तो आप सोच सकते हो कि ये स्थिति है, तो जब एक तरफा राय उनके बारे में है तो उनको फिर मैं समझता हूँ कि स्वीकार करना चाहिए। ये गांधी और नॉन गांधी की बात नहीं है, ये तो संगठन का काम है। कोई प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इस परिवार का 32 साल से ना प्राइम मिनिस्टर बना कोई, ना केंद्रीय मंत्री बना और ना कोई मुख्यमंत्री बना इस परिवार का ही। तो फिर मोदी जी इस परिवार से डरते क्यों हैं? केजरीवाल को कहना पड़ता है 75 साल में कुछ नहीं हुआ देश के अंदर, तो सब लोग कांग्रेस पे क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का डीएनए और देश का डीएनए एक है। आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद में ही उसी ढंग से कांग्रेस पार्टी सभी धर्म सभी जाति सभी वर्गों के साथ लेकर चलती है। अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे देश के अंदर, उनको साथ लेके चली है, तब जाके मुल्क एक वाखन रहा है। चाहे जान दे दी इंदिरा गांधी ने, पर खालिस्तान ने बनने दिया, ये बात तो सबके जहन में होनी चाहिए। इसलिए आज जो ये कुछ भी घबरा रहे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस ही क्यों घबराते हैं? और कांग्रेस कहीं जाने वाली नहीं है। चाहे केजरीवाल ही बहुत बोलने लगे आजकल, तो 75 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं नंबर वन बनाऊंगा देश को। तो ये इस प्रकार वो बोल करके मैं समझता हूँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो लोग। और कांग्रेस को 75 साल में कुछ नहीं हुआ, अरे 75 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र जिंदा रखा, इसलिए देश में आज प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो कैसे बनते मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कैसे बनते? ये सब कांग्रेस की देन है देश को। और कोई आपको आपके ग्रुप में कौन अध्यक्ष बनने वाला बताइए? आपके MD वही रहेगा कि चेंज होगा? 2024 में आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जाएगी, पर वो लोग 25 साल का आगामी जब भी भाषण होते हैं कहते हैं कि 25 साल हम सत्ता में और आएंगे और उसको लेकर प्लानिंग। पहले उनका 50 साल का था, 50 साल से 25 में आए हैं। ठीक, धन्यवाद।